इन ग्रीन हाउस और कम हो रही ऑक्सीजन की, लुप्त हो रही मानवता और परेशान जनजीवन की, ना रहे चैन से बदहाल ये दुनिया, विपदा है ये जनजन की। दादा दादा मुझे भविष्य में जाना है, भविष्य देखना है। अरे वहाँ ऐसा क्या करेगा, बहुत छुटरा है वहाँ। दादा दादा मुझे भविष्य में जाना है। ये क्या है? ये मास मेरा जीवन है वहाँ। अब चल एक जो आसानी से दिखाई देती है इन द सीजन ऑफ विंटर, धुंध और काली धुंध में ज्यादा अंतर नहीं है। धुंध वो होती है जो धीरे धीरे सूरज की रोशनी के साथ छट जाती है, पर जो ये काली धुंध होती है वो सूरज की रोशनी के साथ ही रहती है और उसके बाद भी। हम लोग अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों भाई बंधु को बोलते हैं बच्चा गो ग्रीन एंड ब्रीद ग्रीन, पर क्या ये हम अमल करते हैं? नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मानव जीवन कभी ना कभी विलुप्त हो जाएगा। अगर हमने आज हमने इस पॉल्यूशन को नहीं मारा तो ये पॉल्यूशन हमें जरूर मार देगा। मेट्रो सिटीज में दिन ब दिन वाहनों की संख्या बढ़ने जा रही है, जिसकी वजह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ने जा रही है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण को हानि पहुंच रही है। जहरीला धुआं हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही है और ये सब देख कर भी हम कुछ नहीं कर रहे, आखिर क्यों? जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने की। ये तभी कंट्रोल होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लागू होगा। जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये भगवान भी है ना, ऐसा लगता है कि हम सब टूटे हुए हैं।